गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड. सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स एंड लास्ट हमारा कैलकुलेटर प्रोग्राम ये हम कंप्लीट कर चुके हैं. इसमें हमारी एक्सरसाइजेज हमने कंप्लीट करी है एंड आज नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन बैंक है आपका 6, जिसमें आपके रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं इनसे रिलेटेड आपके क्या हैं क्वेश्चंस हैं वो हम आज करेंगे. सो ओपन योर पेज नंबर 49. यहाँ पे देखिए लास्ट पेज पे आपका है पेज नंबर 52. तो इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं तो इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं फिफ्थ के चैप्टर के जो कैलकुलेटर प्रोग्राम है. तो इसमें हम दो क्वेश्चंस करेंगे आज. एक हम करेंगे राइट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर. दो आपको क्या बताने हैं एडवांटेजेस बताने हैं क्या लाभ हैं आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के. और दूसरा है आपका व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ कैलकुलेटर प्रोग्राम. जो कैलकुलेटर प्रोग्राम है उसका क्या इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं. सो ओपन योर कॉपीज़ और आपने कॉपी में नोट डाउन करना है और इसको आपने साथ साथ आपने लर्न भी ये करना है. पेज नंबर है आपका 52 क्वेश्चन बैंक. पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर प्रोग्राम. कैलकुलेटर प्रोग्राम का क्यों इस्तेमाल हम करते हैं क्या है कैलकुलेटर प्रोग्राम. तो कैलकुलेटर प्रोग्राम इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम. कैलकुलेटर प्रोग्राम क्या है एक कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है. इट इज़ यूज्ड फॉर डूइंग कैलकुलेशन ऑन कंप्यूटर. तो ये आपको पता है कि कैलकुलेटर प्रोग्राम क्या है एक प्रोग्राम है और जिसकी मदद से हम क्या करते हैं अपनी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो हम करते हैं. जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे मैथ्स के एडिशन किया था सब्ट्रैक्शन किया था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. तो हम कैलकुलेटर के थ्रू इस तरीके की कैलकुलेशन हम कंप्यूटर इस कैलकुलेटर प्रोग्राम की मदद से हम कंप्यूटर में कर सकते हैं. और इस तरीके की एप्लीकेशन आपको आपके फ़ोन पे भी मिलती है. तो आप फ़ोन पे भी आप ये एप्लीकेशन आप क्या कर सकते हैं फॉलो आप इसे कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर. दो लाभ बताइए कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए. तो पहला है आपका कंप्यूटर वर्क्स फास्टर दैन ह्यूमन बींग्स. जो कंप्यूटर है वो जो हम इंसान होते हैं हमसे तेज गति से क्या करता है वो काम करता है. ठीक है ये आप सभी को पता है. और इसी काम में अगर हम 2 घंटे लगा रहे हैं तो वही काम कंप्यूटर क्या कर देता है उसे बिल्कुल आधे घंटे में या उससे कम समय में वो उस काम को कर देता है. ठीक है नेक्स्ट है आपका इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन. और इसकी क्या खूबी है ये बहुत सारा डाटा बहुत सारे आपके पिक्चर्स हो गए आपके लेटर्स हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए ठीक है आपके वीडियोस हैं आपके फ़ोटोज़ हैं उनको क्या कर सकता है बहुत लार्ज अमाउंट में ये डाटा को क्या कर सकता है स्टोर. इस तरीके के जो डाटा है हमारा जो हम कंप्यूटर्स में करते हैं ठीक है अपलोड करते हैं डाउनलोडिंग इस तरीके से जो हम करते हैं वो क्या करता है उसको स्टोर करके रख सकता है. तो ये इसके 2 क्या हो गए इसके एडवांटेजेस हो गए. तो ये आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे और आपने इसको साथ साथ लर्न करना है. और कैलकुलेटर प्रोग्राम आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ठीक है. तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए फाइनल एग्ज़ाम के लिए. नेक्स्ट वीडियो में या आगे वाली वीडियोस में आपको आपका जो फाइनल एग्ज़ाम का आपका जो चैप्टर्स जो आने हैं वो आपको बता दिए जाएंगे. सो थैंक यू क्लास.